गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? अच्छे हो आप? अच्छे ही रहना, अच्छे ही रहना। बोला सही तरह, समझा? नहीं समझा? थप्पड़ पड़ेगा, जोर से मारूंगी। माना बात? वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। मेरा चीकू भी आ गया मेरी बात सुन के। शावर में ले आई हूँ, शावर में ले आई हूँ। कॉफी मैंने पी ली आज, मैंने डंकी की कॉफी पी। चले फिर करें शुरुआत। शावर मैंने ले लिया, मगर मैंने आज हेयर वॉश करना। हेयर वॉश मैं हमेशा शाम को करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि सुबह मैगी के पापा ने जाना होता है, तो मैं हेयर वॉश कर लूँ तो फिर मेरे किचन वाला काम में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है क्योंकि बाल गीले होते हैं। तो पहले मैं मिलाऊँ आपको चिकू के साथ। ये मेरे छोटे चिकू के साथ तो आपने मिल लिया। ये बहुत बोलता है, ये बहुत बोलता है। चीकू, चीकू भी आएगा सामने बैठा। चीकू ले, ले, ले। अभी नहीं आएगा, अपनी मर्जी होगी ना फिर आएगा। चलिए फिर करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। ये सारी बातें मेरा चीकू बड़ा खुश होकर देख रहा है। दिखाती हूँ चीकू, वो देखिए सामने बैठा हुआ है चीकू, मगर ये मेरी बात नहीं मान रहा, नहीं मानता, शरारत करता है। इसकी बात मानेगा? हेलो, हेलो, आगे 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 चिकू, चिकू, ओ चिकू, चिकू क्या खाएगा? चिकू क्या खाएगा? चिकू को टॉय चाहिए। चिकू टॉय के साथ खेलेगा। मैं चीकू के पास आ गया। चीकू मेरा प्यारा है, मैं चीकू के साथ खेलूंगा। ल, 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 ल। चला गया उधर, पूछी ला रहा है। ये छोटा चीकू इसके साथ खेलेगा। Mm-hmm.
इसका मन कर इसका मन करे ना तो इसका मन करे तो इसको तोड़ दे। आगे ले जा इसे ले जा मुझको ले जा चीकू चलिए आगे चलते हैं इनों की तो चलता रहना है ऐसे बैठ जा तू आराम से वो शरारत करता है बहुत ज्यादा शरारती है बिठा दिया इसको ये ना चीकू चीकू ये बहुत शरारत करता है ये छोटा चीकू है ना ये बहुत ज्यादा शरारत करता है इसको मैंने आराम से बिठा दिया ये अब नहीं बोलेगा हूं नहीं बोलेगा मैनु कुत्ते मैनु हाई की जो इधर करके माया मैनु हाँ मैं इधर करके इन कुत्ते हूं नहीं बोलूगा डर गया तू नीनी कर ला तेनू नीनी आई है ना चलो फिर नीनी करो अपने बिस्तर ते जाओ नीनी करो ना जिथे मम्मी उथे बैठना बाऊ जी ने मेरे को तो बहुत काम है मैं तो उठने लगी बई ये मेरा मन किया डंकी डोनट से कॉफी मंगवाने का ये मैंने डंकी डोनट से कॉफी मंगवाई है आज घर वाली कॉफी पीने का मन नहीं किया तो चलो इंजॉय करते हैं कॉफी का होती है ना फिर कॉफी खोल के दिखाती हूँ खुशबू बहुत अच्छी आती है मगर अभी इसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा माइक्रोवेव में रख के गर्म करके फिर पीऊँगी क्योंकि आते आते ठंडी भी हो जाती है मैं बनाने लगी हूँ चने आज फिर कहना कि इसने तो फिर व्हाइट चने बनाने व्हाइट नहीं बनाने लगी आज मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने हमारे घर में थोड़े से कम बनते हैं क्योंकि मैगी के पापा को भी ज़्यादा व्हाइट चने टेस्टी लगते हैं और मेरे को तो दोनों अच्छे लगे जाते हैं व्हाइट भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैगी को ब्लैक अच्छे लगते हैं ओ मैं भूल गई क्योंकि नमक मैं चने में पहले डाल चुकी थी थोड़ा सा और पड़ गया अब क्या करूँगी थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी इसमें और टेस्ट करके देखती हूँ कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी ये मैंने चने भिगोए थे रात को चने भिगो के सोई थी ये जो ब्लैक चने होते हैं ना ब्लैक चने में ये बात होती है कि ये अगर मतलब इसको बिसल ज़्यादा लगानी पड़ती है कहीं कहीं तो ब्लैक चने जल्दी पक जाते कहीं पक नहीं पकते जल्दी तो अब मैं इसमें देखूंगी कि नमक कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो नहीं तो बाद में मेरे को मुश्किल आई है तब नहीं ठीक है क्योंकि अभी इसमें मसाला भी पड़ना है अब मैंने क्या करना है अब मैं थोड़ी सी इसमें ना अजवाइन डालूंगी क्योंकि अजवाइन से बहुत जल्दी ये पक जाते हैं ब्लैक चने जो इतना होते हैं ये बाई वाले नहीं होते जो वाइट चने होते हैं बाई वाले होते हैं मगर इस वजह से मैं अजवाइन नहीं डालेगी अजवाइन में इतनी डालूंगी इसे जल्दी पक जाएंगे बस इतनी डालूंगी अजवाइन डाली है और मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी ये मैं ज़्यादातर देसी घी में बनाती हूँ मगर आज मेरा मन है मैं ऑलिव में बनाऊंगी थोड़ा सा ये ऑयल वगैरह इसलिए डालते हैं ऑयल डाल दो या घी डाल दो क्योंकि जो फिर बॉयल होकर ना बाहर नहीं निकलता कुछ भी नहीं तो सीधी बजेगी फिर सारा जो चूल्हा होता है अब मैंने हल्दी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालनी थोड़ा सा मैंने ना इसमें डालना है कहाँ गया मेरा जीरा पाउडर घर का पीस के रखा होता है थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी बस
इसमें हींग वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कभी डाली भी नहीं है, बाई वाले नहीं डाली। तो मैंने एक पत्थर की तरह होते हैं ना ये ब्लैक चने, 10 बिसल लगानी है, 10 बिसल इसकी लगेगी। फिर अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी, और साथ में कोई क्या बनना है वो मेरे को भी पता नहीं है। मेरा तो बस रोज यही मन कर जाता है मटरों वाले चावल बना लूँ, अब शायद पक्का नहीं कह सकती, शायद मैं मटरों वाले चावल बनाऊँ, मन कर रहा है मेरा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आज थोड़ी सी मेरे को सफाई वगैरह भी करनी है, और पहले आज कैंडल लगाऊँ, क्योंकि पहले यहाँ जब सोफ़ा होता था ना, इधर लिविंग रूम बनाया हुआ था, तो डेली हम कैंडल जगाते होते थे। इधर तो कैंडल कभी मैगी जगाती है, कभी नहीं जगाती। मैं आज जगाने लगी हूँ, मैं आज से शुरुआत करूँगी कि डेली यहाँ कैंडल जगे। वो कभी जगाती है, कभी नहीं जगाती। तो अगर मैं शुरू हो जाऊँ फिर मैं डेली जगाती हूँ, कभी जगाने जाती हूँ। क्योंकि अगर डेली रूटीन में मैं वो चीज़ शुरू कर दूँ फिर शुरू हो जाती है। ये कैंडल जगाने से ना क्या घर में अच्छी सी खुशबू आती ना। चलिए चीकू पीछे हट, चीकू उठ नीचे से, पीछे मेरे को आगे निकलने दे। पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने कहाँ रखा होता था ये वाला कैंडल ऑयल, अब मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो ये है जब हम वो कैंडल को बुझाना होता है ना, तो इसके साथ ऐसे कर देते हैं तो बुझ जाती है, फूकनी मारते। ये तो मैगी ने 2 कैंडल रखी हुई हैं, मेरे पास कैंडल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैंडल। इधर पड़ गई, इसके नीचे मैंने कैंडल रखी है। ये देखिए ये वाली है, ये भी है, ये है, बहुत ज़्यादा इसके नीचे जो है काफ़ी कैंडल्स है मेरे पास, कम से कम 22-23 होंगी। क्योंकि मैगी के पापा को बहुत अच्छी लगती खुशबू, वो जब भी जाते हैं ना अलग अलग तरह की जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, पसंद आ जाती है, वो ले आते हैं, खा लेते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको अंदर से साफ करूँगी, अगर शुरू हो गई तो हो गई। ये रही मेरी मैच बॉक्स, वो थोड़ा सा अंदर से हल्का सा साफ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर वो ही गिरा होता है, क्या कहते हैं, मोम से ही गिरा होता है और डस्ट वगैरह तो होती नहीं है। डस्ट अगर होनी हो तो बाहर ही होती है, अंदर नहीं होती, यहाँ से ऊपर से तो डस्टिंग करनी पड़ती है। कभी कभी मैं इसमें ना वो क्या कहते हैं अगरबत्ती भी लगा देती हूँ। तो ये देखो ये अगरबत्ती वाला मैंने बीच में रखा है, कई बार मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ इसमें से भी, इसको खाली कर दूँ, इसको पीछे रख देती हूँ अगरबत्ती वाले को, क्योंकि इस टाइम मैं अगरबत्ती नहीं लगानी है और ये वाली कैंडल नहीं जगानी, मैं कोई और कैंडल निकाल दूँगी। ये वाली देखती कौन सी, ये जो बीच में फ्रूट्स वाली होती है ना, वो तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल ही। अगर मैं लगाने लगी तो मैं तो अपनी चॉइस की लगाऊंगी ना, अगर इसके पापा लगाते मैगी के पापा लगाते वो अपनी चॉइस की लगाते, मैगी अपनी चॉइस की लगाती है। खाद डालना पड़ता है, आगे आगे तक पड़ी हुई है।
हाँ ये खुशबू बहुत अच्छी थी। अब डेली का रख रहा शुरू हो गई तो बस हो गई, अगर बीच में रुक भी जाती हूँ तो फिर मतलब जिस काम के लिए मैं शुरू हो जाती हूँ तो डेली शुरू हो जाती हूँ, जिस काम के लिए मैं रुक जाती हूँ ना फिर स्किप करना शुरू रुक जाती हूँ। अब शुरू हो गई कैंडल लगाने तो लगाया बस, फिर ये सारा दिन जगती रहनी, जब रात को सोने लगना ना फिर तब बंद कर रही है। दो जगह तीन बने हुए इसके बीच में, तीन बत्ती बनी हुई है, ये दो बत्तियां मैंने जगा दी है। मैं सोचती हूँ एक ही तीन बत्ती बनी है इसके बीच में, नहीं मैं एक बत्ती जगाऊंगी, एक बत्ती बहुत है, एक को दो तीन बत्ती बनी हुई है, दो बत्ती जग गई है, तीसरी मैंने नहीं जगाई थी, अब दूसरी को भी बंद करने लगी हूँ, बंद कर दी। इसके साथ बहुत ईजी होता है बंद करना, कोई फूंक मारने की जरूरत नहीं, अब एक ही जगाई है मैंने क्योंकि सारा दिन चल रही है एक ही बहुत है। और ये कैंडल को मैं सारी को संभाल के रखूँगी बीच में नीचे डाल के, नीचे बॉक्स की तरह बना हुआ है। खुशबू आने शुरू हो गई है कैंडल की, जब खुशबू आती है ना फिर अलग सी फीलिंग आती है। हाँ जब भी इधर उधर घूमना अच्छी अच्छी खुशबू, इससे ये होता है एक तो अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं ना, अगरबत्ती से मेरे को ना कई बार ना थोड़ी सी ना घुटन होने लग जाती है ऐसे, जैसे फिर रात को थोड़ा सा सोना मुश्किल हो जाता है घुटन से। तो ये जो कैंडल होती है इसका तो कुछ भी नहीं होता धुआं वगैरह, ये मैं बीच में रख देती हूँ। एक और इसके बीच में कैंडल लगाते हैं ना, डर नहीं होता कोई भी बात का, इसको कर देना अपन चाहे तो हम इसको कहीं टांग भी सकते हैं, टांगा मैंने तो ये भी रखा है। इसका कोई डर नहीं होता, जैसे सारा दिन जगती रहे ना कोई डर नहीं है। मान लो कि आपके घर में कोई चूहे चूहियाँ वगैरह ऐसे आ जाती हैं तो इधर उधर से कुछ नहीं कर सकते इसको। चलिए बताते चलते हैं, काम तो हो गया मेरा। आज यार काम बहुत है, चने तो मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया है, कैंडल में जब आती आई हूँ तो अभी मैंने सफाई कर रही है। मेरा मन करता है इसके साथ तो राइस बनेंगे बनेंगे सूखे वाले, अगर थोड़े से मेरे मटर वाले चावल खाने का मन करता है। ये भी मटर वाले चले चावल नहीं होते हैं क्या पता चले बार बार, हाँ जो मटरों वाले चावल होते हैं ये मेरे फेवरेट हैं, थोड़े से बनाने लगते हैं। मन भी जगते जाते हैं, इससे कौन सा मैंने मटर ठीक है, फ्रोजन मटर है डाले। ज़्यादा नहीं बनवाने, बहुत थोड़े बनाऊंगी। सारे डाल दूँ मटर, अब लिफाफे में इतने से रखते क्या करना, इसको पानी में डिप कर देना। तो चावल लेके आती हूँ उसको भी मैं 20 मिनट के लिए डिप करके रखती हूँ सर राइस को, तो वो भी कर दूंगी और झट से बन जाने मटरों वाले चावल। बस मैंने ज़्यादा नहीं बनाने, सिर्फ एक कटोरी बनानी है छोटी वाली जो भी।
बस इसको मैंने वॉश करना है, वॉश करके कुकर में नहीं बनाऊंगी, प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी, कोई पैन वगैरह में बनाऊंगी। और एक कटोरी ले ली है और दो कटोरी पानी में डिप कर दूंगी। तो बनाते हैं मटर वाले चावल। चलो वीडियो ज्यादा लंबी होने, ये चलते हैं पहले जय करते हैं। ये लाइट ठीक हो गई है, ये बताया था मैंने आपको वीडियो में कि नहीं बताया था। तो चलिए जय कीजिए और आगे चलते हैं। देखो तो मैगी मेरे रूम में क्या कर रही है। ये मैगी मेरे रूम में क्या कर रही है, देखते हैं इसको। क्या कर रही है मैगी? चलो मैं पता नहीं क्या इंस्टाग्राम वगैरह खोल के बैठी होगी। चलो मैं तो कब करूँ अपना काम। ये मैंने बनाने शुरू करते हैं मटरों वाले चावल। और मटर मैं खूब सारे डालती हूँ, चावल तो थोड़े बना रही हूँ, चाहे मैं किसी बर्तन में खुले बर्तन में अगर हम राइस वगैरह बनाए ना तो खिले खिले अच्छे बनते हैं, इसलिए इसमें बनाने लगे। लो जी मैगी का आ गया ऑर्डर, ये वो मैकरोनी खाएगी। मैंने कहा ठीक है पहले इसको बन लेने दे राइस को, अगर खाने होगा राइस खा लेना, नहीं खाने होगा तो ना सही। कहती मैंने मैकरोनी खाने को मन करता है, मैकरोनी खाएगी वो। चने को लगाने लगी हूँ तड़का, इसमें मैंने चॉप करके डाला है अनियन, जिंजर, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन सारा इकट्ठा चॉप कर लिया और ऑलिव ऑयल डाल दिया। और इसमें बस मैंने इस मसाले को पका के तो चने के प्रेशर कुकर में डाल लेना और एक ही बिसल लगा देना और चने तैयार झट से। देखिए मैगी लगा रही है झाड़ू, मैं लगाने लगी थी, मेरे को कहती नहीं मम्मी प्लीज मैं लगाऊंगी, आप अपना किचन वाला काम करो। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है लगा ले कोई बात नहीं। ये बन गए मेरे चने। पता क्या हुआ, मैं रख के ना इधर उधर चली गई, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, मैं भूल गई। अब ऊपर ऊपर से सारा मसाला निकाल लिया, नीचे से जला हुआ रहने दिया। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर वो ऊपर ऊपर से मसाला वो निकाल लिया, फिर उसका थोड़ा सा निकालने लगी मैं ना रख के इधर उधर अंदर चली गई, बस भूल ही गई। जब मेरे को स्मेल आई ना मसाला जलने की, मैंने कहा ओ मैंने तो गैस के ऊपर कुछ रख के आई हूँ। सर कोई बात नहीं, भगवान की दया से अच्छे बन जाएंगे मेरे चने। लो जी चने मेरे बन गए हैं और थोड़े से हमने बीच में से खा भी लिए हैं और बहुत ही अच्छे बने। मैं डर गई थी, मैंने सोचा था कि मसाला जल गया है, मसाला फिर जलने की वजह से कम हो गया तो शायद अच्छे ना बने, बहुत अच्छे बन गए। ये देखिए बाप बेटे का प्यार, देखो इनका प्यार कैसा होता है। बाप बेटे का प्यार। ओ कहता छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, खोल दो खोल दो खोल दो। नहीं छोड़ना इसको, इसके पापा ने इसको नहीं छोड़ना, इसकी इसकी चटनी बनानी है, इसकी चटनी बनानी है, नहीं छोड़ना इन्हू पापा ने, नहीं छोड़ना। मगर अगर मैं एक गल बोल देती ना फिर जंप मारना, मत बोलो नहीं बोलती, एक बात अगर बोल दी इसने जंप लगा लेना, मगर मैं बोलूंगी नहीं, नहीं बोलना छोड़ो। ओला मैगी ले 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 निकाल के रख दिया उसे बाहर। हाय कजनचे पापा ने, ओहो ये मैं बना रही हूँ आलू के, प्याज के और गोभी के पकौड़े, आइए और खाइए। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मत भूलना, बाय।